हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल से दो तरीके की मिठाई। तो इसमें हमें मावे की ज़रूरत नहीं है और ना ही शुगर पाउडर की ज़रूरत है। हम इसे बहुत ही आसानी तरीके से बनाते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें एक पैन चाहिए। पैन को हमने गैस पर रख दिया, गैस का फ्लेम हमने लो रखा है। अब इस पर हम डालेंगे 2 से 3 कटोरी पानी। हमें दाल को धुलना है। हम चाहते तो उसे ठंडे पानी से भी धुल सकते थे, लेकिन हम इसे थोड़ा सा गर्म करके तब धुलेंगे तो जो दाल पे जो पॉलिश लगी है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए केवल लो फ्लेम पे गर्म होने देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गया और जिस पे दाल पे जो पॉलिश लगी थी वो देखिए निकल गई है, ये अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हम इसमें जिस कटोरी से नाप के हमने दाल ली थी उसी कटोरी से नाप के हम 2 कटोरी पानी डाल के इसे रख देंगे पकने के लिए। तो देखिए हमने 2 कटोरी पानी डाल दी है और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो इसे अब हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो गया है, इसे खोल के देखते हैं। देखिए इसमें उबाल आ रहा है पर दाल हमारी अच्छे से भी पकी नहीं है। तो इसे हम फिर से ढक देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो इसे चलिए हम इसे ढक देते हैं। तो देखिए 5 मिनट फिर से हो गया है, इसे खोल के देखते हैं। तो देखिए पानी एकदम सूख गया है और दाल भी हमारी पक गई है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़रा से 2-3 दाने निकाल के इसे उंगलियों से दबाते हैं। अगर ये बहुत आसानी से दब जाता है इसका मतलब ये पक गया है। आप चाहे जैसे कुकर में बना सकते हैं, लेकिन कुकर में अंदाज़ा नहीं लगता, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा पक जाता है तो गीला हो जाता है, इसलिए हम इसे खुले बर्तन में बना रहे हैं। हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे ठंडा नहीं होने देना है। इस चम्मच की मदद से इसका एक अच्छा सा पेस्ट जैसा तैयार करना है। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है जिससे दाल के जो दाने हैं वो अच्छे से मिक्स होके जैसे चोखा बनता है वैसा हो जाए। तो इसके हमें अच्छा सा पेस्ट जैसा बनाना है। अगर इसमें आपकी दाल पकने में अगर ज़रा भी पानी रह गया हो तो उसे छान दें, इसे पानी से बाहर निकाल के तभी इसको अच्छे से मिक्स करें। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल गांठें नहीं होनी चाहिए। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। देखिए अब हम इसे मिठाइयों बनाना शुरू करते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए हमने पैन रखा है गैस पे। इसमें हम आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो, और अगर आपके पास देसी घी है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए आलू मेरा गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे जो हमने मिक्स करके रखा था दाल को। तो इसे डाल के हम लो फ्लेम पर अच्छे से पहले ऑयल में मिक्स कर लेते हैं। इसे लो फ्लेम पर बनाएं नहीं तो ये नीचे से पकड़ने लगता है। तो इसे लो फ्लेम पे ही अच्छे से भूनना है जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। तो इसे पकने में भी कम से कम 5 मिनट का समय आराम से लग जाता है। तो इसे हम अच्छे से पहले ऑयल में मिक्स कर लेते हैं। इसे सावधानी से बनाएं नहीं तो ये पकड़ने लगता है। 5 से 10 मिनट लगता है इसे पकने में। तो देखिए 5 से 10 मिनट हो गया है, ये अच्छे से एक जगह अच्छे से इकट्ठा हो जा रहा है। देखिए अभी चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो है वो अच्छे से पक गया है। तो दाल देखिए अच्छे से पक गई। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो जिस कटोरी से नाप के हमने दाल ली थी उसी कटोरी से नाप के हम एक कटोरी शक्कर लेंगे। तो शक्कर आप थोड़ा थोड़ा डालें और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। तो अब जब इसमें शक्कर डालेंगे तो इसका जो ये डो है वो काफ़ी गीला हो जाएगा। तो इसे पकाने में 10 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए अब शक्कर हम डाल लें तो डो हमारा जो है वो गीला होता जा रहा है, ये धीरे धीरे और भी गीला हो जाएगा। तो शक्कर को हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है, तब तक इसे अच्छे से चलाएं नहीं तो ये नीचे से फिर से जलने लगेगा। तो इसे मेल्ट होने में कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। तो देखिए शक्कर हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और डो जो हमारा एक स्मूथ सा बैटर जैसा बन गया है। अब हमें इसे पकाना है कम से कम 10 मिनट। फ्लेम जो आप चाहें तो मीडियम रख सकते हैं, हाई ना रखें नहीं तो जल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाएं। तो देखिए इसमें एयर बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब जो चीनी हमारी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसे हमें एक हार्ड डो तक तैयार करना है। देखिए तो ये अच्छे से थोड़ा सा हार्ड हो गया, बहुत हार्ड नहीं हुआ है, थोड़ा सा है। तो इसे ठंडा होने देंगे तो ये थोड़ा और हार्ड हो जाएगा। तो देखिए ये अच्छे से हो गया है। तो अब हम इसे इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम 2 तरीके की मिठाई बना रहे हैं तो हम इसे आधा अलग कर लेते हैं। पहले हम आधे से एक मिठाई बना लेते हैं, फिर हम दूसरे जो बचा हुआ हिस्सा है उससे भी बनाएंगे। तो देखिए हमने इसे अलग कर लिया है। तो पहली मिठाई बनाने के लिए हमें
बेसन का इस्तेमाल करना है। तो बेसन को हमने देखिए अच्छे से भून लिया है, इसे अच्छा से भूनना है, थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउनी हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। और इसमें हम डाल के धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। बेसन हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो बेसन थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ, इसे मिक्स करते जाएँ। हमें बेसन तब तक मिलाना है जब तक ये अच्छे से लड्डू बनाने जैसा नहीं हो जाता, और जब तक ये हाथ में चिपकना ना बंद हो जाए तब तक आप इसे बेसन मिलाते जाएँ। तो बेसन मिलाने से एक अच्छा सा इसका डो तैयार हो जाएगा, जिससे हम आराम से लड्डू बर्फी बना सकते हैं। तो देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा सा तेल लगाएं हाथ में, चाहे तो आप देसी घी भी लगा सकते हैं। इसकी छोटी छोटी लोइयां लेके इसमें थोड़ा सा जगह बनाएंगे। इसमें हम एक किशमिश भर रहे हैं, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी भर सकते हैं। आप इस पेस्ट में चाहें तो इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप बारीक काट के इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक गोल शेप इसको दे दिया है, तो देखिए ये एकदम गोल है। आप चाहें तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं ड्राई फ्रूट से, नहीं तो आप थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इस पर डाल सकते हैं। तो देखिए हमने एक छोटा सा बादाम का टुकड़ा इस पर लगा दिया, इसका लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह हम बाकी बचे हुए बैटर से भी इसे बना लेते हैं अच्छे से। तो इसे इसी तरह बनाते जाएं और एक प्लेट में रखते जाएं थोड़ी देर के लिए। ये थोड़ी देर में ये अच्छा खासा टाइट हो जाता है। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा सा बन गया है, अब ये चिपक नहीं रहा बिल्कुल, ना ही तो बिल्कुल सॉफ्ट है। ये एकदम जैसे परफेक्ट लड्डू होता है एकदम सेम वैसा ही बना है। तो अब हम बाकी बचे हुए बटर से हम दूसरे तरीके की मिठाई बनाते हैं। इसके लिए हमने इसे फ्रिज में रखा था, आप इसे 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दिए तो इसका जो पेस्ट है वो काफ़ी टाइट हो जाता है, जिससे आप अच्छे से इसके पेड़े या बर्फियाँ बना सकते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा घी लगाइए या ऑयल लगा के आप इसे चाहें तो आप लड्डू का शेप दे दें, नहीं तो आप इसे एक पेड़े का शेप दे सकते हैं। तो देखिए हम इसे एक पेड़े जैसा बना रहे हैं। तो इससे पहले हम गोल गोल सारी लोइयां बना लेते हैं। इसे थोड़ा सावधानी से बनाएं क्योंकि ये अभी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत हार्ड नहीं हुआ है, अभी काफ़ी सॉफ्ट है ये। तो इस तरह हम सारी पहले पेड़े को बना लेते हैं। तो देखिए हमने एक प्लेट में घी लगा के सारे पेड़ों को सजा दिया अच्छे से।